रैप मंत्रा और बाजार का हाल आज काफी अच्छा है और पिछले तीन सेशन से जो हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन ऊपरी स्तरों पर बाजार को टिकते हुए नहीं देख रहे, तो उसके उलट आज बाजार में अच्छी रौनक है। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर बाजार इस समय कारोबार कर रहे हैं। डेज हाई पर निफ्टी है 19,500 के ऊपर डिसाइसिवली टिका हुआ है और अगर आप बाकी सेगमेंट्स भी देखेंगे तो लार्जली बाइंग ही देखने को मिल रही है आज मार्केट में। सबसे पहले लेकर आते हैं आपके सामने एनएससी के स्टैट्स ताकि एक सेंस ये मिल सके कि ब्रेथ आज मार्केट की कैसी है और ब्रेथ आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगी आज के सत्र में भी। पढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स का एक बार रेशियो आपके सामने लेकर आते हैं। 1583 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं और लगभग 1265 स्टॉक्स हैं जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। बाजार में अब तक क्या हुआ उस पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक बार इंटरनेशनल क्यूज को भी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो एक्शन रहा उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे इस समय एशियन मार्केट्स का हाल, सभी एशियाई बाजार तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। यूएस में जो इन्फ्लेशन के डेटा आया वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहा और इसीलिए हम ज़्यादातर एशियाई बाजारों में एक अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। निकेई 1.5% ऊपर, कॉस्पी 0.1% ऊपर, हांगकांग का बाजार 2.5% ऊपर है, शंघाई 1.25% ऊपर, तो 1 से 2.5% की तेजी सभी एशियाई बाजारों में दिख रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट टूवर्ड पॉजिटिव बायस, डॉ फ्यूचर्स 36 अंक ऊपर है और नैसडैक के फ्यूचर में 70 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। नैसडैक इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, 0.5% ऊपर है। नैसडैक IT स्टॉक्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है और आज अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ भी IT में ही देखने को मिल रही है। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट में, फटाफट से की हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आते हैं, यानी बाजार की बड़ी बातें। तो बाजार में फिर बुल्स का दबदबा और नए शिखर पर निफ्टी 19,500 के ऊपर डिसाइसिवली टिकते हुए, इनफैक्ट 19,550 के आसपास आ चुका है। बैंक निफ्टी 400 अंक ऊपर है, मिड कैप्स में भी हमने हल्की बाइंग देखी है, लेकिन इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस के आसपास कारोबार करते हुए। मेटल्स में तेजी, आईटी में तेजी, रियल्टी में तेजी, तीन पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में देखेंगे तो ब्रोकरेज स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, NBFC शेयर्स यहां पर रौनक देखने को मिल रही है। दबाव थोड़ा दिखाई देगा आपको पावर और हेल्थ केयर स्पेस में आज के कारोबार में, तो ये वो सेलेक्ट सेक्टर्स हैं जो कि प्रेशर में कर रहे हैं कारोबार इस समय। चलिए इस बीच फेडरल बैंक के नतीजे आए हैं, नंबर्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। मुनाफा 601 करोड़ से बढ़कर 854 करोड़ के आसपास रहा है फेडरल बैंक का, और अगर आप बाकी नंबर्स देखेंगे, हालांकि एसेट क्वालिटी के आंकड़े भी इंपॉर्टेंट रहेंगे तो उन पर भी नजर रहेंगी, लेकिन फिलहाल जो प्राइम ऑफ फेसिंग फिगर आ रही है वो 601 करोड़ से बढ़कर 854 करोड़ के आसपास का मुनाफा बैंक ने पोस्ट किया है 130 रुपये के आसपास स्टॉक का। एक बार इंट्राडे चार्ट भी लेकर आते हैं, जैसे जैसे अर्निंग्स आए हैं स्टॉक रिएक्ट कैसे कर रहा है। फिलहाल इनफैक्ट रिकवरी हो रहा है, 131 रुपये 132 रुपये पर आकर फिलहाल कारोबार करते हैं। हालांकि ग्रॉस NPA बढ़े हैं, ग्रॉस NPA 2.36% से बढ़कर 2.38% पर हैं, तो मार्जिनली इंक्रीज हुए हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे। हालांकि अगर आप स्टॉक देखेंगे तो सुबह खुला ठीक था, उसके बाद एक डिप लिया और डिप के बाद थोड़ा रिकवर ही हुआ है, लेकिन अभी भी 2.5% नीचे कारोबार करते हुए ग्रॉस NPA थोड़े से इंचअप होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा हैं भी, सुमित कैसे लग रहे हैं नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से? इनफैक्ट अगर आप नेट NPA देखेंगे तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, 0.69% के आसपास रहा है नेट NPA का आंकड़ा। तो ये रहा फिलहाल नंबर्स का हाल, स्टॉक अभी प्रेशर में ही है, 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो नेट NPA में सिक्वेंशियल बेसिस पे कोई बदलाव नहीं, ग्रॉस NPA थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, और साथ ही अगर आप स्टॉक देखेंगे तो वापस थोड़ा सा प्रेशर माउंट होते हुए 129 के आसपास आ चुका है। तो ये रहे नंबर्स, और अब एक स्टॉक पर कमेंट ले लेते हैं चार्ट वाइज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज के मेहमान मौजूद हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं और पहले फेडरल बैंक पर राय लेते हैं। 129 के आसपास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक, 5 रुपये की इनफैक्ट अब कमजोरी देखने को मिल रही है। रूपक डे हमारे साथ मौजूद हैं, रूपक नमस्कार, इंडेक्स पर बाद में राय लेंगे, पहले फेडरल बैंक क्या राय आपकी? जी हाँ, अगर देख रहे हैं कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आज के दिन में जरूर है और वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग है, RSI इंडिकेट कर रहे हैं कि नेगेटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसका सपोर्ट जो है वो 128 में है, तो इमीडिएट सपोर्ट है 128। अगर स्टॉक 128 को ऊपर एक बार सस्टेन कर गया तो रिकवरी होने का चांसेस रहेगा, अगर 128 के नीचे आता है तो फर्दर करेक्शन। तो फिलहाल हम लोगों को देखना है कि 128 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं, अगर सस्टेन करता है तो रिकवरी टूवर्ड्स 134 दिख सकता है, नहीं तो अगर ब्रेक डाउन देता है 128 के नीचे तो करेक्शन टूवर्ड्स 122 दिख सकता है। ओके, चलिए, तो ये रह रही फेडरल बैंक पर, इंडेक्स पर राय आपकी क्या है रूपक? इंडेक्स में अपना जो व्यू रहेगा क्लियरली पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम लोग देखें कि 19,500 में
स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर का बिल्डअप का पोजीशन, लेकिन आज का दिन ब्रेकआउट दिया 19,500 के ऊपर, तो कॉल राइटर्स अपना पोजीशन थोड़ा बहुत कम कर रहा है, और पुट राइटर जहाँ पे उन लोग का पोजीशन तो 19,300 पे, दे आर शिफ्टिंग देयर पोजीशन टू 19,400 एंड 19,500। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं मार्केट में ऊपर की तरफ एक रुझान आने का, और जो तेजी है वो कंटिन्यू होना चाहिए, और मेरे ख्याल से जो आज का एक्सपायरी और 19,600 के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं आपके रूपक? कुछ स्टॉक्स निकाले हैं क्या? जी हाँ, जैसे कि आज आईटी स्टॉक्स में तेजी है टीसीएस के रिजल्ट के बाद, तो मेरा पहला पीक रहेगा बी सॉफ्ट। तो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम, तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 400 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 345 का। तो 345 का स्टॉप लॉस में 400 का टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं उसमें। और दूसरा रहेगा एमएचआरआईएल, स्टॉक ने एक स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया और मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से स्टॉक ये ऊपर की तरफ 400 तक जा सकता है, नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 310 पे। ओके, खरीदारी की सलाह महिंद्रा हॉलीडेज और बिरला सॉफ्ट में दो ट्रेड्स आप ले सकते हैं खरीदारी की तरफ। फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल, वो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। शुरुआत करेंगे आईटी पॉकेट के साथ, जहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, अर्निंग्स की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई है, और इसीलिए शायद स्टॉक्स में हम अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देख रहे हैं। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स भी है आईटी आज के सेशन में। ऑल्दो अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो अब डे लो पर आ चुका है, हरे निशान में है। हालांकि जेंसर टेक 6% ऊपर, बिरला सॉफ्ट 4% ऊपर, रामको सिस्टम्स में 2.5% का पूर्व, परसिस्टेंट सिस्टम भी 2.25% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखेगा। आईटी के बाद ऑटो एंसलरीज, जहां पर हमने कंसिस्टेंटली अच्छी बाइंग देखी है, मुंजाल शोवा 6.5% ऊपर, मुंजाल ऑटो 3% ऊपर है, प्रिकॉल में 4.5% की तेजी, और संवर्धना मदरसन सुमी 3% ऊपर कर रहा है ट्रेड। साथ ही ऑटो एंसलरी पैक के बाद देखते हैं रियल्टी स्टॉक्स को, फिनिक्स, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, उबरा रियल्टी 5% तक ऊपर आज के सेशन में। लोधा डेवलपर्स 3 दिनों से लगातार चल रहा है, आज भी 4.5% ऊपर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज उबरा में भी 1 से 1.5% की मजबूती। ब्रोकरेज स्टॉक्स देखें तो एंजल 1 3% ऊपर, 5 पैसा 3% ऊपर, मोतीलाल ओसवाल में भी 2% की तेजी आज के सेशन में। एनबीएफसीज में पिरामल एंटरप्राइजेज, जीआईसी हाउसिंग, उज्जीवन, रेपको होम फाइनेंस 2.5% तक कैप मूव्स यहां भी हैं। एफएमसीजी में गिरावट दिखेगी आज के सेशन में, पतंजलि 5% के लोअर सर्किट पर, इमामी 1.5% नीचे, एडीएफ फूड्स भी 0.5% नीचे है, और साथ ही पराग मिल्क 1.25% नीचे कारोबार करते हुए आज के कारोबार में। तो ये रही वो सिलेक्ट पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी मंदी का देखने को मिल रहा है। लेकिन अब